फेज सर्किट, थ्री फेज सर्किट में क्या होगा, जैसे हमें स्टार कनेक्शन दिया हुआ है तो थ्री फेज सर्किट के अंदर स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज के रूट थ्री गुना ज्यादा होता है। डियर बीपीएल इज फेज वोल्टेज, और स्टार कनेक्शन होता है उसके अंदर लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होती है। यहां पर आईपीएच है वो फेज करंट है, क्योंकि जो स्टार कनेक्शन बनता है वो इस तरीके से बनता है, जैसे ये हमारा स्टार कनेक्शन है, ये स्टार कनेक्शन है, इसमें क्या है लाइन करंट है और फेज करंट है वो इक्वल होंगे, लेकिन ये डायरेक्शन बी की दिखा रहा है, ये बी टाइप में डायरेक्शन दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसमें वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज से रूट थ्री टाइम्स होता है। तो ये याद करने की ट्रिक है, अगर बी यहां पर है इसका मतलब क्या है बी इसमें सेम नहीं है। अब इसको देखते हैं, लाइन करंट के बाद में स्टार कनेक्शन होने के बाद में टोटल एक्टिव पावर है, टोटल एक्टिव पावर क्या होगी थ्री इंटू बीपीएच इंटू आईपीएच इंटू कॉस फाई, ये टोटल एक्टिव पावर होगी। फाई है यहाँ पर एंगल बिटवीन दी फेज वोल्टेज एंड फेज करंट, टोटल एक्टिव पावर है उसे देते हैं हम, क्योंकि तो बीपीएच की वैल्यू है यानी रूट थ्री टाइम्स बीपीएच की वैल्यू है अंडर रूट थ्री टाइम्स बीएल इक्वलेंट होगी, तो ये होगी अंडर रूट थ्री टाइम्स बी एल इंटू आई एल कॉस फाइव, वेयर फाइव इज द एंगल बिटवीन फेज एंगल एंड फेज वोल्टेज। तो यहाँ पर थ्री बीपीएच को हम क्या लिख सकते हैं रूट थ्री टाइम्स बीपीएच को, तो थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, और रूट थ्री बीपीएच को लिख दिया बी एल और रूट थ्री यहाँ पर सेम आ गया, इस तरीके से टोटल एक्टिव पावर हो जाएगी। अब डेल्टा कनेक्टेड या डेल्टा कनेक्शन जिसे डी कनेक्शन भी कहते हैं, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में जो वैल्यू है लाइन वोल्टेज की और फेज वोल्टेज की वो इक्वल होती है, और इसमें बीपीएच की वैल्यू है ये फेज वोल्टेज होगा और लाइन करंट है फेज करंट से रूट थ्री टाइम ज्यादा होती है डेल्टा कनेक्शन के अंदर, क्योंकि वो घूमती रहती है उसी में, तो लाइन करंट है अंडर रूट थ्री टाइम्स फेज करंट के इक्वल होती है। टोटल एक्टिव पावर हम निकालेंगे तो टोटल एक्टिव पावर कैसे निकलेगी, यहाँ पर थ्री इंटू बीपीएच इंटू आईपीएच कॉस फाई, फाई यहाँ पर सेम फेज वोल्टेज और फेज करंट के बीच में एंगल हो जाएगा। टोटल एक्टिव पावर को हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं अंडर रूट थ्री आईपीएच को, तो ये वैल्यू हो जाती है। तो डेल्टा कनेक्शन हो या स्टार कनेक्शन हो, पावर हमारी एक्टिव, टोटल एक्टिव पावर हमारी सेम रहती है। ये स्टार कनेक्शन दिखाया गया, स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल है, जबकि डेल्टा कनेक्शन में लाइन करंट फेज करंट के रूट थ्री टाइम्स होती है। अब केसीएल देखते हैं, केसीएल में क्या है करंट किरचॉफ लॉ, यानी एक पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। स्टेटमेंट क्या है केसीएल का, दिस लॉ स्टेट दैट इन एनी नोड द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ब्रांच करंट लीविंग एंड एंटरिंग ए नोड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज जीरो, यानी एक पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग हमेशा बराबर होता है किसी भी टाइम पर, हम ये बात कर सकते हैं। अगर अदर वर्ड्स में कहें, डिफरेंट वर्ड्स, इन एनी इंस्टेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंट करंट एंटरिंग ए नोड इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट लीविंग दैट नोड, तो केसीएल हमने अप्लाई कर दिया। जैसे यहाँ पर कौन कौन सी करंट आ रही है, यहाँ पर ये करंट आ रही है आई वन की वैल्यू आ रही है, जैसे ये करंट आ रही है, ये करंट जा रही है, ये करंट जा रही है, ये करंट आ रही है, तो जाने वाली और आने वाली पर रोक दिया। जैसे आई थ्री आई सिक्स ये दोनों आ रही है, आई थ्री यहाँ पर आ रही है और ये आई सिक्स यहाँ पर आ रही है, ये आई थ्री और आई सिक्स दो करंट आ रही हैं और चार करंट जा रही है, एक दो तीन और चार, ये चार करंट जा रही है, तो इन दोनों को इक्वल रख देते हैं, ये करंट जो किरचॉफ का करंट लॉ हो जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। इसके बाद में हम देखते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या होगा, इन एनी क्लोज लूप द नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ ब्रांच इन वोल्टेज इज जीरो,
यानी क्लोज लूप है कोई भी, तो उसमें एल्जेब्रिक सम ऑफ ब्रांच, सब ब्रांचों के जो वोल्टेज का योग है हमेशा जीरो के इक्वल होगा। जैसे कि हम यहां से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो यहां से जैसे ही स्टार्ट करेंगे हम इस डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या है यहां पर माइनस के बी वन, तो यहां से लेते हैं प्लस के बी वन, तो यहां पर जैसे देखते हैं हम एक पॉइंट से ले लेते हैं, जैसे कि डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में नोट कर लेते हैं या इस डायरेक्शन नोट कर लेते हैं, तो यहां पर होगा माइनस के बी वन और इसी डायरेक्शन में ये माइनस के बी टू, यानी कि वी वन और बी टू का योग इक्वल टू होगा आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू प्लस आई थ्री आर थ्री, या इस तरीके से लिख सकते हैं बी वन बी टू माइनस के, तो ये माइनस के हो जाएंगे आई वन आर वन माइनस के आई टू आर टू माइनस के आई थ्री आर थ्री इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड है, इसलिए इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। नोडल एनालिसिस कैसे करते हैं? सबसे पहले नोड्स को लेबल कर देते हैं, कितने नोड्स हैं सर्किट के अंदर, फिर एर्बिट्री सेलेक्ट एनी नोड एज ए रेफरेंस, किसी एक नोड को हम रेफरेंस के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफाइन ए वोल्टेज वेरिएबल फ्रॉम एवरी रिमेनिंग नोड टू रेफरेंस, दीज वोल्टेज वेरिएबल मस्ट बी डिफाइंड एज वोल्टेज राइजेज विथ रेस्पेक्ट टू दी रेफरेंस नोड, तो हम कोई पॉइंट ले लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस से जो भी नोड कंसिडर करते हैं प्रत्येक नोड को हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, राइट केसीएल इक्वेशन फॉर एवरी नोड एक्सेप्ट दी रेफरेंस, तो प्रत्येक नोड के लिए हम केसीएल इक्वेशन लिखेंगे और जो भी इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड इक्वेशन इक्वल टू जे टाइम्स नंबर ऑफ जंक्शन, जे है यहाँ पर नंबर ऑफ जंक्शन माइनस के वन, तो ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नोड है किसी इक्वेशन में आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर केसीएल इक्वेशन है, राइटिंग द केसीएल इक्वेशन फॉर द नेटवर्क, तो इसके लिए केसीएल इक्वेशन क्या होगी, केसीएल इक्वेशन क्या होगी, जैसे कि यहाँ पर नोड वन पर हम लगाते हैं केसीएल, तो यहाँ पर ये करंट आई वन आ रही है, तो आई वन माइनस के ये करंट जा रही है, तो बी वन वाई आर वन जा रही है, ये करंट भी जा रही है बी वन माइनस बी टू डिवाइड बाई आर टू इक्वल टू जीरो, ये नोड वन पर होगी, जैसे नोड टू पर अप्लाई करते हैं आई टू यहाँ पर आ रही है तो आई टू प्लस का हो जाएगी, और ये करंट भी यहाँ पर आ रही है तो बी टू माइनस के बी वन डिवाइड बाई आर टू, ये करंट भी आ रही है तो ये भी प्लस का हो जाएगी, माइनस के बी टू बाई आर थ्री ये जा रही है तो ये माइनस का हो जाएगी, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, दीज इक्वेशन मस्ट बी सॉल्व साइमल्टेनियसली टू गेट अ नॉन नोड वोल्टेज फ्रॉम विच एनी ब्रांच करंट कैन बी कैलकुलेटेड, तो इससे हम दो इक्वेशन हैं, दो ही अननोन है हमारे पास बी वन और बी टू, और इससे हम क्या कर सकते हैं किसी ब्रांच के अंदर करंट है कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें वोल्टेज पता होगा बी वन और बी टू का तो हम करंट की वैल्यू है कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो करंट गिवन होगी या वोल्टेज गिवन होगी, तो दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी इनमें क्वेश्चन में, इसी तरीके से मेश एनालिसिस करते हैं, मेश एनालिसिस में क्या होगा, मेश इज ए लूप दैट डज नॉट कंटेन एन इनर लूप, मेश के अंदर अंदर कोई लूप नहीं होगा, ये सबसे छोटा लूप होता है मेश, काउंट द नंबर ऑफ विंडो पेन्स इन द सर्किट असाइन ए मेश करंट टू ईच विंडो पेन, तो सबके लिए हम करंट है वो दे देते हैं कि करंट की वैल्यू क्या होगी, आई वन की वैल्यू क्या होगी, आई टू की वैल्यू क्या होगी, किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, राइट दी केवीएल इक्वेशन, और मेश में हम केवीएल इक्वेशन लिखते हैं और नोड में हम केसीएल इक्वेशन लिखते हैं, राइट दी केवीएल इक्वेशन फॉर एवरी मेश हुज करंट इज अननोन, सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेश इक्वेशन क्या होगी, नंबर ऑफ ब्रांचेज माइनस के जे माइनस के वन, जैसे ये लूप है तो ये क्या है नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ ब्रांचेज जैसे कि एक दो तीन, और नंबर ऑफ जंक्शन कितने हैं, एक ही जंक्शन है ये और एक ये नीचे वाला है, तो ये दो जंक्शन है, तो जो टू माइनस की वन वन हो जाएगा, थ्री माइनस वन टू, यहां पर इक्वेशन बनेगी, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मेश इक्वेशन कितनी है दो बनेगी, यहां पर चार ब्रांच है एक दो तीन, एक दो तीन चार, ये चार ब्रांचेज है एक दो तीन चार, नंबर ऑफ ब्रांचेज माइनस के जे माइनस वन, तो लूप जैसे कि सबसे पहला लूप है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ये पहला लूप है,
तो यहां पर आ जाएगी, यहां से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि यहां पर आ गया प्लस बी वन माइनस के आई वन आर वन माइनस के आई वन माइनस आई टू इंटू आर थ्री, तो ये आर थ्री है यहां पर। इसी तरीके से लूप इसके लिए देख लेते हैं, इस वाले लूप के लिए, तो यहां पर क्या होगा, प्लस का बी टू है, प्लस के बी टू में जैसे कि माइनस का रख देते हैं, प्लस के बी टू और यहां से स्टार्ट करते हैं, तो ये प्लस, ये भी प्लस का आ जाएगा, प्लस आई टू आर टू, और ये प्लस का आ जाएगा आई टू माइनस आई वन, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये फ्लो हो रही है, तो ये इक्वल टू जीरो हो जाएंगे, दो इक्वेशन आ जाएंगे, दोनों से हम आंसर निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर फील्ड दैट एसोसिएट टू ईच पॉइंट इन द स्पेस, द कूलम फोर्स दैट मस्ट बी एक्सपीरियंस पर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज बाय द इन इनफाइनाइट इनफाइनाइटेसिमल टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का कवरेज एंड डिवरेज ए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कैन बी इंक्लूडेड बाई टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम टाइम बेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को दे सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज लाइन, कंसिडर वन एग्जाम्पल ऑफ एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज लाइन हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा एंड ए पॉइंट पी लोकेटेड ए पर्टिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑल द अदर पॉइंट लाइक पी सिचुएटेड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन विल बी इक्वल टू द लाइन इज इनफाइनाइट लेंथ है, तो एज गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ऑन द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज लाइन इज गिवन बाई E equal to lambda by 2 pi E naught into 1 by R into R k. Here lambda is equal to linear charge density, E naught equal to electrical permittivity of free space, R is radius and R cap is unit vector in the direction of radius. तो ये गॉस लॉ के अकॉर्डिंग है, हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज इज गिवन बाय गॉस लॉ। गॉस थ्योरम क्या कहती है, गॉस थ्योरम स्टेट दैट सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू वन बाई ई नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनसाइड इट, ई इंटू एरिया इक्वल टू क्यू टाइम्स क्यू डिवाइड बाई ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज लाइन, और दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज लाइन। कंसिडर वन एग्जाम्पल इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज लाइन हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी एंड पॉइंट पी दैट इज गिवन बाय सेम एंड लैम्डा बाय 2 पाई नॉट 1 बाय आर बाय आर के। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन, और दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन। कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट हैविंग यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी रो, पॉइंट पी सिचुएटेड एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन प्लेन, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एज पर गॉस लॉ इज गिवन बाय ई इक्वल टू रो बाय टू E naught. Here we have surface charge density, rho equal to surface charge density, E naught equal to electrical permittivity of free space. It shows that electric field intensity at any point on the plane sheet is not depend on the distance of point from the plane. Electric field due to the uniformly charged lines thin spherical cell. Consider a spherical cell having the surface charge density rho and radius r. The electric field resulting from such a spherical cell is radial, and hence electrical field intensity is calculated for a point lying inside or outside the spherical cell. Point lying inside the cell, here point lying inside the cell and having radius r smaller than the spherical cell radius r.
सो एज पर दी गॉस लॉ दी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी जीरो ड्यू टू दी चार्ज इनक्लोज्ड बाय सच ए सरफेस इज जीरो एज दी रेडियस इज कंसेंट्रेटिंग विथ दी सेल देन पॉइंट लेइंग आउटसाइड दी सेल हियर पॉइंट इज लेइंग आउटसाइड दी सेल एंड हैविंग रेडियस आर ग्रेटर देन दी स्फेरिकल सेल रेडियस सो एज पर गॉस लॉ द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज गिवन बाई ई इक्वल टू क्यू आई 4 पाई ई नॉट 1 बाई आर स्क्वायर इट शोज दैट द पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर द एंटायर चार्ज ऑफ द स्फीयर कैन बी ट्रीटेड एज कंसेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर कंसिडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर हैविंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस ऑफ आर रेडियस ऑफ स्फीयर आर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टिंग फ्रॉम द सच स्फीयर इज रेडियल एंड हिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कैलकुलेटेड फॉर ए पॉइंट लेइंग इन साइड द एंड आउट साइड द स्फेरिकल सेल पॉइंट लेइंग इन साइड द सेल हियर पॉइंट इज लेइंग इन साइड द स्फेयर एंड स्फेरिकल गॉसियन सर्फेस ऑफ रेडियल रेडियस आर लेस देन आर कंसेंट्रेटेड विद द स्फेयर यूजिंग गॉस लॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन बाई ई इक्वल टू रो आर डिवाइड बाई 3 E0 then point lying outside the cell here point is lying outside the sphere and the spherical gaussian surface is radius r greater than r consider the each other using the gauss law the electric field intensity is r की power 3 rho divided by 3 r square e naught ampere and volt savart's law according to volt savart's law dv equal to mu naught divided by 4 pi I d I sin theta by r square वेबर प्रति मीटर स्क्वायर dB मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ I करंट dl इज लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट r इज डिस्टेंस बिटवीन दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड दी लाइन एलिमेंट एंड थीटा इज दी एंगल बिटवीन दी ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड लाइन करंट अकॉर्डिंग टू दैट इंडक्टेंस इंडक्टेंस इज दी प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रॉपर्टी और दी बिहेवियर ऑफ कॉइल ऑफ वायर इंडक्टेंस क्या है प्रॉपर्टी है या बिहेवियर है एक कॉइल के वायर का बिकॉज विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट एल इक्वल टू एन डी फाइव बाई डी टी देन मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस बाई द इलेक्ट्रिक करंट विच कैन बी माइक्रोस्कोपिक करंट इन वायर्स और माइक्रोस्कोपिक करंट एसोसिएट विथ इलेक्ट्रॉन इन ऑटम्स ऑर्बिट The magnetic field B is defined in the term of force on moving charge is Lenz-Ford law. The interaction of magnetic field with charge lead to many practical applications. Magnetic field sources are essentially dipolar in nature. जो भी magnetic field sources होते हैं वो dipolar होते हैं nature के according and having north pole and south pole magnetic field or pole. The SI unit of magnetic field is Tesla. Which can be seen from the magnetic part of the Lorentz force law. F magnetic equal to Q B B to be composed of Newton into second. The Coulomb into meters. The smallest magnetic field unit is Gauss. 1 Tesla equal to 10,000 Gauss. Then Volt-Savart's law. According to Volt-Savart's law related magnetic field to current. Which are their sources? In a similar manner, the Coulomb's law relate electric field to point charge, which are their source. Finding the magnetic field resulting from the current distribution involve the vector product and the inherently a calculus problem which behind the distance from the current to the field point is continuously change. According to Volt-Savart's law, magnetic field of current element is given by dv equal to mu naught I d l x into I r divided by 4 pi r square. dv is a magnetic field strength, dl is infinite manner length of the conductor carrying electric current and I r is unit vector of the to the specify the direction vector distance r from the current to the field point. See the magnetic field is sketched from the state wire to see the geometry of the magnetic field is current. Then Ampere's law. The magnetic field in space around an electric current is proportional to the electric current which serves as its source. Just as the electric field in space is proportional to the
charge which serves as its source. Ampere's law states that for any closed loop path, एम्पेयर लॉ ये बताता है कि किसी भी क्लोज लूप पाथ के लिए द सम ऑफ लेंथ एलिमेंट टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ एलिमेंट इज इक्वल टू द परमिटिविटी टाइम्स द इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज इन द लूप. अकॉर्डिंग टू दैट इन द इलेक्ट्रिक केस द रिलेशन ऑफ फील्ड टू प्रोड्यूस द क्वांटिफाइड इन गॉस लॉ विच इज वेरी पावरफुल टूल फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. This is given by rho O, rho output into I. Electromagnetism. It is branch of physics which involves the study of electromagnetic force. A type of physical interaction. A type of physical interaction that occur between the electrically charged particle, the electromagnetic force usually exhibit the electromagnetic field. Such as electric field, magnetic field and light. The electromagnetic force is one of the four fundamental interactions in nature. The other three fundamental interactions are in strong interaction, the weak interaction and gravitational. Magnetic effect of electric current carrying conductor. The magnetic effect of electric current is one of the major effects of electric current in use. Without the application of which we cannot have motor in the existing world. A current carrying conductor creates a magnetic field around it which can compressed by using magnetic lines of the force or magnetic field lines. The nature of magnetic field lines around a straight current carrying conductor is commercially or concentric circle with center at the axis of conductor. The strength of magnetic field created depend on the current through the conductor. The direction of magnetic field lines of force around a conductor is given by Maxwell's right hand grip rule and the right handed Crookes rule. Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your right hand and the thumb point towards the direction of current. These are two fingers will wrap around the conductor in the direction of field lines. The magnetic field, this is known as right and thumb rule. This is magnetic circuit, right and thumb rule. Right and thumb rule given here for electric field calculation. Then magnetic field or current loop. Examination: the direction of magnetic field produced by the current carrying segment of wire shows that the all part of loop contribute magnetic field in the same direction inside the loop. Magnetic line current is a circular loop create a magnetic field which is more concentrating in the center of the loop than outside the loop. Cycling multiple loop commensurate the field even more into what is called solenoid. Then magnetic materials. Magnet materials. The material respond differently to the force of a magnetic field. There are three main classified in the magnetic material. A manjit will strongly attack. Four magic market weakly attract the paramagnetic material and weakly repel diamagnetic material. The organization of spin of the electron in the atoms. The orientation of the atom in a particular or molecular or alloy. The ability of domain of atoms and molecules to line up are the factor that determine how a material respond to magnetic field. Ferromagnetic material have most magnetic uses. Ferromagnetic material का most magnetic uses किया जाता है. Diamagnetic material are mainly used in the magnetic navigation. तो diamagnetic material है magnetic navigation में यूज किया जाता है. Ferromagnetic material are strongly attached by magnetic force. Ferromagnetic material कौन कौन से हैं? Iron है, nickel है, cobalt है और gadolinium है.
ये मटेरियल है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और ये मटेरियल आर स्ट्रॉन्गली अटैच टू द मैग्नेटिक फील्ड। द रीजन दीज मेटल्स आर स्ट्रॉन्गली अटैच्ड आर बिकॉज देयर इंडिविजुअल एटम्स हैव स्लाइटली हायर डिग्री ऑफ मैग्नेटिज्म ड्यू टू देयर कॉन्फिगरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देयर एटम्स रेडली लाइंस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड डोमेन और ग्रुप ऑफ द ऑटम लाइंस अप आर रीडली। देन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर मेटल दैट आर वीकली अटैच टू द मैग्नेट। एल्युमिनियम कॉपर आर सच मेटल्स। दीज मटेरियल कैन बिकम वेरी वीक मैग्नेट बट देयर अट्रैक्टिव फोर्स कैन बी ओनली बी मेजर्ड विथ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर कैन अफेक्ट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल लाइक एल्युमिनियम, यूरेनियम, प्लेटिनम एंड बिकम मोर मैग्नेटिक बिहेन दे आर वेरी गुड। द फोर्स ऑफ फोर मैग्नेटिक मैग्नेट इज अबाउट ए मिलियंस टाइम दैट द मैग्नेट मेड विथ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। सिंस द अट्रैक्टिव फोर्स इज सो स्मॉल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल आर टाइपिकली कंसिडर्ड नॉन मैग्नेटिक। जो जो भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है नॉन मैग्नेटिक में कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद में है डायमैग्नेटिक मटेरियल का। सर्टेन ए मटेरियल आर डायमैग्नेटिक बे विच मीन्स दैट व्हेन दे आर एक्सपोज टू द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड दे इंड्यूस ए वीक मैग्नेटिक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। इन अदर वर्ड्स दे वीकली रिपील ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। सम हैव बीन यूज्ड इन द सिंपल नेविगेशन डिमोस्ट्रेशन। सो दिस इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। कूलाम्स लॉ है, तो कूलाम्स लॉ इसमें जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद में जैसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाती है, कौन सी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फील्ड है। इसके जो न्यूमेरिकल हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें, पहला क्वेश्चन है कूलाम्स लॉ किस चीज के लिए सत्य है। यहाँ पर एटॉमिक डिस्टेंस के लिए, न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए, या चार्ज एज वेल एज अनचार्ज पार्टिकल के लिए, या सारी डिस्टेंस के लिए। तो इसका आंसर होगा सारी डिस्टेंस के लिए कूलाम्स लॉ है, सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा। तो ये कभी भी हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर तो जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स का यहाँ पर पॉइंट के अकॉर्डिंग कोई कनेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर जीरो होगा, आपस में कैंसिल आउट हो गए। एज ए टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज इट्स रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी चेंज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी टू कंडक्टिविटी। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी चेंज होती है, कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाती है। तो जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो रेशियो है वो किस तरीके से प्रभावित होता है, तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा कॉन्स्टेंट, क्योंकि जितनी रेजिस्टिविटी बढ़ती है उतनी ही कंडक्टिविटी घट जाती है, तो रेशियो है यहाँ पर सेम रहेगा। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, तो कैपेसिटर को हम नापते हैं फैराड के अंदर। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और किरचॉफ्स लूप लॉ फॉलो द कंजर्वेशन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट है यहाँ पर सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जंक्शन लॉ के अंदर क्या है, हम सारे चार्ज को ऐड करते हैं। किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ लूप लॉ है फॉलो द कंजर्वेशन नेचर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों स्टेटमेंट है यहाँ पर करेक्ट है। ये यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट है वो क्या होती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट है वो ओम होती है।
क्योंकि रेजिस्टेंस में ओम में नापते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल यहां पर कौन सा है? तो यहां पर डायोड है, एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का एग्जाम्पल है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अंदर दैट इज सिलिकॉन इक्वल टू जीरो एट ए जंक्शन डील विद द कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है जहां पर एस आई की वैल्यू है वो जीरो दे रखी है, डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ है कौन सी कंजर्वेशन पर काम करता है? ये चार्ज के कंजर्वेशन पर काम करता है। वन किलोवाट हावर इज इक्वल टू, वन किलोवाट हावर है इक्वल टू होती है, तो ये होता है हमारा 36 × 10⁵ जूल इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। द कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, तो जब कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनको डायरेक्ट एड कर देते हैं, तो 3 3 3 तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, फिर सीरीज में कनेक्ट हो जाते हैं, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 से एड करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 माइक्रोफेराड आएगी। इसके बाद में देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो किस चीज पर डिपेंड करता है? तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो कंपोजिशन ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, कॉपर के रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं? तो कॉपर क्या है? कॉपर एक कंडक्टर है, कंडक्टर में जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस है कॉपर के अंदर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कॉपर में इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। कॉन्स्टेंट ही रहेगा, व्हेन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज कॉन्स्टेंट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सबस्टेंस इज मेजर्ड इन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है सबस्टेंस का वो किसमें मेजर किया जाएगा? तो रेजिस्टेंस कोई सा भी हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी सबस्टेंस का दे रखा है तो उसको ओम में हम मेजर करते हैं। 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये अभी देखा है 36 × 10⁵ होता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 36 × 10⁵ जूल होगा, वाट में होकर जूल होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल ओनली, केसीएल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? तो केसीएल है हम ओनली ये